आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1। हाँ जी स्टार्ट करें मेरे। कल रात को देर रात में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए ये अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है ये अध्यादेश? ये अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संविधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। ये केंद्र सरकार का पहला ऐसा प्रयास नहीं है। 2015 में जब दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताकर भेजा, 70 में से 67 सीट जिताकर भेजा, तो मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने के अंदर अंदर एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन इशू करके अरविंद केजरीवाल की सरकार की ताकत छीनने की कोशिश करी। मई 2015 में मोदी जी की सरकार ने MHA का एक नोटिफिकेशन इशू किया कि केजरीवाल सरकार के पास सर्विसेज की ताकत नहीं है, उनके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत नहीं है, उनको भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, उन्हें इनएफिशिएंट अफसरों को हटाने की ताकत नहीं है, ये ताकत केंद्र सरकार के पास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2-2 संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा, यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते? तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है। कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है, तो लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है कि जिस जनता ने उसको वोट दिया है, विल ऑफ द पीपल
को इम्प्लीमेंट करना उस चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तीसरा संवैधानिक सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही, ये भी एक संवैधानिक सिद्धांत है और इसलिए जरूरी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही हो, वरना चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल यानी जनता की इच्छा, जनता की राय को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये तीन सिद्धांतों के आधार पर, तीन संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज़ की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ? जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है, ये देश का संविधान कहता है। तीन विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन तीन विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र की सरकार से ये सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से ये सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई, मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया जो बीजेपी की सरकारें 20-20 सालों में नहीं करके दिखा पाई, वो केजरीवाल ने बिना किसी पावर के करके दिखा दिया। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे दी, दिल्ली को शानदार सड़कें, फ्लाईओवर दे दिया। जब बिना पावर के 8 साल में इतना काम कर दिया तो अब केजरीवाल के हाथ में पूरी पावर अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो अब तो केजरीवाल 10 गुना स्पीड पे काम करेगा। तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि केजरीवाल के काम को रोकने के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए सही, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वह तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या फर्क पड़ता है कि वह तरीका गैर संवैधानिक है, क्या फर्क पड़ता है कि वह तरीका गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि कुछ दिन के लिए तो सही, केजरीवाल के काम को रोका जाए। तो क्या किया मोदी जी की सरकार ने, क्या किया मोदी जी ने? रात के अंधेरे में, कल रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने के बाद, चुपके से चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उन्हें भी पता है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगा, उन्हें भी पता है कि ये गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी हो गई, तो उन्होंने कल का इंतज़ार किया। वो 1 हफ्ते पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 3 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 1 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे,
लेकिन उन्होंने उस तारीख का इंतज़ार किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने वाली थी कि 6 हफ्ते तक तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो 6 हफ्ते तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोक सकते हैं। तो क्या कहता है ये ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस क्यों गैर संवैधानिक है? सबसे पहली चीज, ये ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के एक्ट में लाया गया है, सबसे पहले ये कहता है अपने सेक्शन 3A में कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्विसेज पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को सर्विसेज पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट रूप से संविधान के खिलाफ है, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला प्रोविजन वो सबसे पहले इसमें करते हैं कि सर्विसेज पर कानून बनाने की ताकत दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। क्या होगी ये नेशनल सिविल सर्विस, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में 3 मेंबर होंगे, इसके चेयरपर्सन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके मेंबर होंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, और इसके मेंबर होंगे दिल्ली के होम सेक्रेटरी। लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी दिल्ली की सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी, उसमें दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री चेयरपर्सन तो होंगे, पर वो माइनॉरिटी में होंगे, वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये अध्यादेश कहता है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी से डिसीजन लेगी। तो इसमें जो भी निर्णय होगा वो केंद्र सरकार के 2 ब्यूरोक्रेट्स के अनुसार होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अनुसार नहीं होगा। और ना सिर्फ इतना, अगर गलती से इस नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, तो उस निर्णय को पलटने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो कोई निर्णय हो नहीं पाएगा चुनी हुई सरकार के द्वारा, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा निर्णय हो गया तो फाइनल पावर उस निर्णय के ऊपर एलजी साहब के पास रहेगी, यानी दिल्ली सरकार में अफसरों की पावर, चुनने की पावर, ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर, भ्रष्ट अफसरों पे एक्शन लेने की पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहेगी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो कुल मिलाकर जो अध्यादेश कल रात में आया है, अगर मैं कहूं कि इन अ नटशेल ये अध्यादेश क्या कहता है, तो ये अध्यादेश कहता है कि चाहे दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुन के भेजे, चाहे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में 90% की ज्यादा से ज्यादा सीटों से जिता के भेजे, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाएगा, दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगी। ये कहता है ये अध्यादेश जो रात के अंधेरे में कल केंद्र सरकार लेकर आई। तो ये जो अध्यादेश 19 मई को यानी कल रात को आया, क्या ये अध्यादेश
केंद्र सरकार ला सकती थी? क्या ये अध्यादेश संवैधानिक है? मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहती हूं कि ऐसा अध्यादेश लाने की ताकत केंद्र सरकार के पास नहीं है। संविधान के अनुसार, और इसको बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है, और मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूं, पैराग्राफ 160 जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NCTD इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एनी फर्दर एक्सपेंशन वुड बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह आदेश लिख रहा था, उनको शक था कि केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि वो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली सरकार की ताकत को कम करे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस रास्ते को बंद कर दिया है और कह दिया है कि एनी एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि जो अध्यादेश आया है वो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन ये अध्यादेश एक चीज तो दिखा देता है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर बहुत लगता है। मैं कई बार ये सोचती हूं कि दिल्ली इतना छोटा सा राज्य, आप अगर भारत के नक्शे पे देखने जाइए तो दिल्ली दिखता भी नहीं है। तो दिल्ली को ढूंढना भारत के नक्शे पे बहुत मुश्किल होता है। इतना छोटा सा राज्य, उसमें भी आधी सरकार जिसके पास लैंड लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की ताकत नहीं है, इतनी सी सरकार की अगर ताकत को मोदी जी हर संभव गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका तो एक ही कारण है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। मोदी जी को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरी ताकत मिल जाए, चाहे 6 महीने के लिए मिल जाए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो चमत्कार करके दिखाएगी, वो पूरे देश को दिखा देगा कि एक सरकार की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, ईमानदार राजनीति की ताकत क्या होती है। लेकिन मोदी जी, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान में बहुत ताकत है। उस संविधान ने एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई है, उस संविधान ने एक संघीय ढांचा बनाया है, उस संविधान ने अफसरों को चुनी हुई सरकार के अधीन बनाया है, क्योंकि आखिरकार इस संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जनता को ताकत दी है। हो सकता है कि 6 हफ्ते के लिए आप अपने इस गैर संवैधानिक अध्यादेश से 6 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए, 12 हफ्ते के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन नहीं करता है, आप अरविंद केजरीवाल के काम को रोक सकें। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल को ताकत दिल्ली की जनता ने दी है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दी है, आप उस ताकत को नहीं ले सकते। धन्यवाद। Thank you.